मानव जनन तंत्र। अब आते हैं मेन टॉपिक जो है, हम उस पे आते हैं। मानव जनन तंत्र ऐसे कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। और मानव जनन तंत्र में दो तंत्र हैं, अगर स्त्री और पुरुष है तो मानव के श्रेणी में स्त्री भी आता है और मानव के ही श्रेणी में पुरुष भी आता है। तो हम स्त्री के जनन अंग को भी पढ़ेंगे और मानव और मनुष्य अर्थात पुरुष के भी जनन अंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो होगा नर जनन तंत्र। पहला देखिए, दो हैं मानव में, दो हैं, पहला कौन है? नर जनन तंत्र है, जिसे कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा है इसे कहा जाता है मादा जनन तंत्र, और इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग होगा नर जनन तंत्र। अब देखिए, जब नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है? नर जनन तंत्र। आइए थोड़ा से डिस्कस करते हैं कि क्या है नर जनन तंत्र और कैसे नर में। तो ये हो गया हमारा नर जनन तंत्र। ध्यान देने की बात है कि नर जनन तंत्र का मतलब होता है कि वो पूरा सिस्टम, वो पूरी तंत्र जो एक नए बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। आप पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र के कई भाग होते हैं। क्या होते हैं? नर जनन तंत्र के कई भाग होते हैं, और उसमें आप पढ़ेंगे कि उसका जो मुख्य भाग है उसे हम नाम देते हैं वृषण। क्या नाम देते हैं? वृषण के बाद भी अधिवृषण है, शिश्न है। ये कई भाग किसके हैं? नर जनन तंत्र के ही हैं। क्लास 12th लेंगे, 11 वाला को छोड़ देंगे, पहला पीरियड क्लास चलेगा उनका। तो लिखेंगे नर जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। नर जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर वन, एक एक सारे भाग को लिखेंगे, फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, सबको जानेंगे कि क्या है। तो जो पहला भाग है वो पहला भाग है वृषण। दूसरा भाग इसका है अधिवृषण। पहला भाग है वृषण, दूसरा भाग है अधिवृषण। सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या होता है वृषण, और वो भी पढ़ेंगे क्या होता है अधिवृषण, और फिर आप पढ़ेंगे शुक्रवाहिनियाँ। क्या पढ़ेंगे? शुक्रवाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये शुक्रवाहिनियों का जिनसे संबंध होता है, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। ये शुक्रवाहिनियाँ इसी शुक्राशय से आकर के जुड़ी होती हैं, और शुक्राशय के बाद आप पढ़ेंगे मूत्र मार्ग।
क्या पढ़ेंगे? मूत्र मार्ग भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ मूत्र मार्ग के शिश्न पढ़ेंगे, जो छोटा वाला मुन्नू है जैसे छुन्नू कहते हैं, ठीक है। और उसके पढ़ने के साथ साथ एक और भाग है इसका, जिसे हम कहते हैं सहायक ग्रंथियाँ। ये सहायक ग्रंथियाँ भी नर जनन तंत्र का ही हिस्सा है और ये भी क्या करता है, जनन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए साथ ही साथ हमें इसे भी पढ़ना है। तो सारे नाम उतार लेंगे, आप उतारें जल्दी करें। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग डालेंगे वृषण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, बस करें।